जी दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको मुकम्मल बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल में जाना है। जैसे ही आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आप लोगों ने सर्च करना है दोस्तों ECP। जैसे ही आप ECP पर सर्च करेंगे, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों ये वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी पॉइंट पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ओपन हो जाएगी। इसमें दोस्तों मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जॉब्स इन ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स जो आई हैं उनके मतलब मैं आपको, जॉब्स जो आई है उसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जी दोस्तों देखें, निकाह इलेक्शन ऑफिसर BPS 17, क्लिक हेयर टू सी एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पेपर यहाँ से निकल जाएगा। इसमें उन्होंने कहा अप्लाई ऑनलाइन भी होगा, इसमें उन्होंने कहा डाउनलोड, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म करना है तो यहाँ पर पॉइंट 3 पर क्लिक करें, वो भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिसर BPS 17। जैसे ही हमने दोस्तों क्लिक किया, यहाँ पर उन्होंने कहा सेव PDF, सॉरी बैक आते हैं हम। ये दोस्तों फॉर्म हमारा जो है वो खुल गया है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो इश्तिहार में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डाउनलोड जो अगर करना है तो इसी तरह हम डाउनलोड भी इधर से कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, उन्होंने कहा सीरियल नंबर एक ही नंबर 1 पर जो पोस्ट है इसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। इलेक्शन ऑफिसर BPS जो है इसका 17 है। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर सेकंड डिवीज़न में आपके पास डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें क्या BA हॉन्स, इसके अलावा BSc हॉन्स, इसके अलावा BCom हॉन्स इसके सेकंड डिवीज़न में, और लॉ ग्रेजुएट डिग्री जो है वो आपके पास सेकंड डिवीज़न में हो तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ने कहा BA BSc BCom सेकंड डिवीज़न में जिन दोस्तों के पास डिग्री है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 2 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है इसमें दोस्तों आपसे। इसके बाद एज लिमिट 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और रिलैक्सेशन उन्होंने दी है 5 साल तक, और 18 साल से ज़्यादा और 30 साल तक और 5 साल रिलैक्सेशन है। टेस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट की तादाद 59 है दोस्तों। कोटा जो है मेरिट पर 4 सीट्स हैं, और पंजाब के लिए 29 सीट हैं, KP के लिए 7 हैं, बलूचिस्तान के लिए 4 हैं, सिंध के लिए भी 4 हैं, सिंध रावलनगर के लिए भी 7 हैं। इसके बाद दोस्तों फाटा के लिए 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है, AJK के लिए 1। इसकी दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो ऑनलाइन अप्लाई का सिलसिला है दोस्तों इसमें वो 13 मई 2020 तक है। ऑनलाइन अप्लाई इसमें हो रहा है 13 मई 2020 तक। और अगर आप लोग दोस्तों कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर इनको जमा करवा दें, तो फिर भी आप उसके डॉक्यूमेंट जो लेकर आपने जमा करवाने हैं, इस उन्होंने ऊपर पता भी लिखा हुआ है कि किस पर आपने ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो है भेजने हैं। इसकी दोस्तों डॉक्यूमेंट को आपने लाजमी टेस्टेड करवा के भेजना है।
इसके साथ पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीरें और आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी भी लगनी है साथ दोस्तों। और इसमें जो मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट इसकी जो है दोस्तों वो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। 17 मई ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है। और डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो डॉक्यूमेंट वगैरह आप इसी पते पर भेज दें दोस्तों, अटेस्टेड करवा के। उसकी लास्ट डेट अटेस्टेड करवा के डॉक्यूमेंट अगर भेजने हैं आपने तो उसकी लास्ट डेट 30 मई 2020 है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अगर थोड़ी सी और डिटेल से बता देता हूँ, इसमें उन्होंने कहा है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। इसका थोड़ा सा आपको मैं तरीका बता देता हूँ अप्लाई ऑनलाइन किस तरह होना है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपने उन्होंने कहा है इंटरपोर्ट इम्पोर्टेंट नोटिस, सॉरी, ये आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ठीक है। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह दोस्तों वैसे ही भेजने हैं टेस्ट वगैरह करवा के, वो दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता दूं कि अटेस्टेड करवाने हैं आपने दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जी 30 मई 2020 को इसकी डेट है टेस्ट करवा के भेजने की। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ 17 पे स्केल है। एज लिमिट जो उन्होंने बताई है यहाँ पर 18 30 ईयर प्लस रिलैक्सेशन 5 ईयर। और उन्होंने कहा है कि आपको जी जो है बीए होंस, ये आपको मैं बता दी है दोस्तों। जॉब डिटेल जो है वो मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी, जॉब के मुतल्लिक डिटेल। जी दोस्तों, उन्होंने कहा है जॉब्स डिटेल जो है ये है इलेक्शन ऑफिसर, पोस्ट का नेम है इलेक्शन ऑफिसर, पे स्केल इसका जो है दोस्तों 17 है। और सैलरी, सॉरी, इसकी जो दोस्तों सीट्स की तादाद है, सैलरी एज पर गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है 59 है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई की 13 मई 2020 है। और इसमें दोस्तों मास्टर सेकेंडरी ये ऑल टू जेड चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये डिटेल उन्होंने दी है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ी सा और जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ पर। अप्लाई नो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्म ओपन होगा दोस्तों। इस पर लिखा है योर सिंक नंबर, यहाँ पर आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। योर पासवर्ड, यहाँ पर जो उन्होंने पासवर्ड दिया है 6622 यानी 16622, ये आप जैसे ही एंटर करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवानी है तो नीचे दोस्तों उन्होंने लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नाउ अकाउंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म की थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, नेम लिखना है आपने, कोई भी खाना आपने खाली नहीं छोड़ना, वो खाना सिर्फ छोड़ना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, यहाँ पर उन्होंने लिखा है इफ़ एप्लीकेशन लीव ब्लैंक यू, ये उन्होंने कहा है कि टाइपिंग स्पीड उन्होंने मांगी है, ये खाना सिर्फ आपने दोस्तों छोड़ना है जो उन्होंने मांगी है कि टाइपिंग स्पीड, यानी कि ये आपकी पर वर्ल्ड पर मिनट, यहाँ पर स्पीड का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों इसमें, इसलिए ऐसे खाने जो हैं आपने छोड़ देने। वैसे उन्होंने लाजमी बार बार इस वीडियो में कहा है इस फॉर्म पर कि आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर जो है कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाजमी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़े बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी न्यू जॉब्स आए उसकी डिटेल जैसे ही आपको मैं दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान में, तो दोस्तों आप मुझे डिस्क्रिप्शन में
पूछ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी इसमें आपको डिटेल बता दूं कि अगर आपने अटेस्टेड फॉर्म को लाजमी आपने अटेस्टेड करवाना है कोई भी फॉर्म है, तो इसमें जो अटेस्टेड करवा के पीओ बॉक्स उन्होंने एड्रेस दिया है, ये दोस्तों पीओ बॉक्स नंबर 1418 बिफोर, ये एड्रेस है उन्होंने दिया, इस बॉक्स पर आपने ये फॉर्म जो है भेज देने हैं अटेस्टेड करा के। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़े बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।